हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। और आज हम आपको आल फार्मूला, जैसा कि लिखा हुआ है आल फार्मूला, और आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैं आपको सभी फार्मूले इस चैप्टर के बताऊंगा, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ वाले की। अभी हम डीसी सर्किट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद जो स्टार्ट होगा वो हम डीसी सर्किट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम किरचॉफ्स लॉ का डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। न्यूमेरिकल भी पिछले वीडियो में बता दिए थे, अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो ज़रूर देखना उस वीडियो को, ठीक है। हो सके तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स आपको करवाए थे। ज़्यादा कुछ उसमें टफ न्यूमेरिकल हो नहीं सकता, तो जितने टफ हो सकते थे एनसीईआरटी बेस्ड, और एक हमने जेई का भी करवाया था, अगर जितने बेस्ड इंपॉर्टेंट हो और टफ हो सकते थे उतने हमने उसका लेवल ऊँचा करने की कोशिश करी। लेकिन अब जो डीसी सर्किट स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉ वाला चैप्टर, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। खैर, फार्मूलाज आपको मैं सभी फार्मूलाज तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ कुछ यूनिट्स बताएंगे, कुछ रिलेशंस बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला आपको इस चैप्टर में आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने हालांकि सभी फार्मूलाज अपने सभी वीडियो में बताया था, तीन पार्ट में वीडियो आए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तीन पार्ट में आए वीडियो, तीनों पार्ट में मैंने सभी चैप्टर्स में सभी फार्मूलाज को एक्सप्लेन किया। पर मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना दूं जिसमें सभी फार्मूलाज और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएं, तो इसी वजह से ये वीडियो बन रहा है, ओके। बाकी मैं फार्मूलाज आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आल फार्मूला। तो पहला फार्मूला आपको ज़रूर आना चाहिए और आता भी होगा, क्यों क्यों इक्वल टू आई टी आता होगा, आई थिंक क्यों इक्वल टू आई टी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपको आना ही चाहिए क्यों इक्वल टू आई टी। अब आपको यहाँ से एक रिलेशन एक याद होना चाहिए, ये आपसे पूछ सकता है मल्टीपल कॉइल में, वन एम्पियर इक्वल टू वन कूलाम पर सेकेंड, या ऐसे कह सकते हैं वन एम्पियर इक्वल टू वन कूलाम पर सेकेंड। या आपको ये भी रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट की यूनिट आपको पता ही होता है, एम्पियर है, ये बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। और अब आपको एक फार्मूला ये वाला भी पता होना चाहिए, क्यू इक्वल टू एन ई, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमने एक डेरिवेशन किया था आई इक्वल टू क्यू वी बाई टू पाई आर, एक एक चीज़ बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, वी वेलोसिटी है, क्यू चार्ज है, आई करंट है, रेडियस आर है, और पाई टू पाई है, ये कॉन्स्टेंट टू टू कॉन्स्टेंट है ही। और हमने फिर अगला फार्मूला बताया था टाइम पीरियड का, ये तो खैर पहले ही ये तो आपको पता होगा, टू पाई आर बाई वी, अगर वेलोसिटी और रेडियस दी गई है तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हम ये वाले फार्मूले को यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एकदम सुनना भाई, ठीक है। और हमने करंट डेंसिटी का बताया था फार्मूला, करंट डेंसिटी पहले आपको इसको डिनोट करना आना चाहिए। करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते थे, करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से, किससे, जे से। और जी ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, आपको इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। तो जे वेक्टर क्वांटिटी, आप इस पर वेक्टर लगा सकते हैं, जे इक्वल टू आई बाई ए, वेयर ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया। और जहां पर मैं कैपिटल, देखो कैपिटल आई और स्मॉल आई में कन्फ्यूज मत होना, दोनों ही करंट हैं, आप यहाँ इन दोनों में कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल लिख रहा हूँ, तो उसमें कुछ कन्फ्यूज मत होना, स्मॉल भी आप लिख सकते हो, ठीक। जे इक्वल टू आई बाई ए, ये करंट डेंसिटी का फार्मूला है, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, आई बात समझ में, देखो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एरिया की मीटर स्क्वायर, आई बात समझ में। और डायमेंशन तो आप निकाल ही लोगे, ए एल माइनस टू आ जाएगी डायमेंशन। चलो इस फार्मूला की बात हम नेक्स्ट फार्मूला बनते, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो फार्मूला, और ये आपने तो उसमें पढ़ा होगा थर्मल, उसमें क्लास इलेवेंथ है, वी आर एम एस का फार्मूला आपको पता ही होगा। वी आर एम एस यानी कि आर एम एस स्पीड अगर आपको कैलकुलेट होनी करनी होगी तो आप क्या करोगे, 3 kT/m, यहाँ पर m मास है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और t हमारा टेम्परेचर है, ठीक है भाई। और रिलैक्सेशन टाइम का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, रिलैक्सेशन टाइम का एक फार्मूला बताया था। रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट किससे किया जाता है बताइए, टाउ से डिनोट किया जाता है, किससे, टाउ।
तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, मीन फ्री पथ यानी कि लेमडा अपॉन एवरेज वेलोसिटी यानी कि वीआरएमएस, ठीक है। तो एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर वीआरएमएस की वैल्यू भी पुट करके दूसरा फार्मूला भी बना सकते हो, पर मैं आपको वो फार्मूला बताऊँगा जो जिसको तैयार कर लोगे और फिर उसके बाद आप एक फार्मूला से तो चार पाँच फार्मूला बना ही लोगे, मुझे पता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चलो पहले यहाँ ही कवर कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से डिनोट किया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ होता था, क्या होता था ए टाउ, और ए एसिलरेशन की हम ए यहाँ पर एसिलरेशन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ए एसिलरेशन का हमने फार्मूला क्या होता था ई वी बाई एम एल। ये कहाँ से आया था वो मैंने वीडियो में बताया था, पूरा डेरिवेशन करके बताया था, ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं थी, पूरा डेरिवेशन करके आपको बताया था अच्छे से, ठीक है। ए इक्वल टू ई वी बाई एम एल, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती थी, एफ इक्वल टू क्यू ई, वहाँ से पूरा डेरिवेशन होके आया था, कंडक्टर का पूरा बताया था अच्छे से, ठीक है। वी डी इक्वल टू ए टाउ। अब बात आती है मोबिलिटी, शायद ये मेरा टॉपिक आप छूट गया बताने को, तो इसको अभी ही बता देते हैं। मोबिलिटी का फॉर्म मोबिलिटी डिनोट की जाती है म्यू से, और म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा वी डी अपॉन ई, यानी कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई समझ में आई बात समझ में, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वी डी इक्वल टू ए टाउ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। अब और कौन सा फार्मूला बचा था, हमने आपको डेरिवेशन बताया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, तो उसमें एक फार्मूला आपके बना था आई करंट का बना था आई इक्वल टू, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा। एक एक पॉइंट बताएंगे इसमें क्या क्या है, वैसे बता चुका हूँ आपको वीडियो में, लेकिन ये फार्मूला इसका पूरा एक्सेप्टेड वीडियो है, तो इसमें एक एक चीज़ भी एक्सप्लेन करेंगे। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, क्या होता है भाई, I इज इक्वल टू एन ई वी डी, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I इज करंट, E इज चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन, E इज क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड वी डी इज ऑलरेडी नोन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहीं से हमारा करंट डेंसिटी का फार्मूला निकलता है J इज इक्वल टू एन ई वी डी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जे की डायरेक्शन चेंज थी, तो मैंने इसको आपको क्या कहा था कि वेक्टर फॉर्मेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो जे इक्वल टू माइनस एन ई वी डी, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर फॉर्मेट में जब दो चीज़ों की डायरेक्शन चेंज होती है, दो एक्सप्रेशन की डायरेक्शन और इक्वल टू में होंगे तो उनमें माइनस साइन लग जाता है, वैसे यहाँ पर करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज है, इस वजह से माइनस साइन है। ऐसा आप मत करना कि शहरों को इधर कर देना, ठीक, ये गलत हो जाएगा। आप माइनस से किसी भी कोई भी फार्मूला में अगर दो चीज़ों की डायरेक्शन चेंज है तो आप माइनस से उसको सही कर सकते हो, ठीक। ये इक्वल टू एन ई वी डी। रेजिस्टेंस का आपको फार्मूला पता ही है, ओम्स लॉ से आर इक्वल टू वी बाई आई, तभी मैं आपको बताऊँगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंपॉर्टेंट कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको दे देगा 2 किलो ओम, 4 किलो ओम इस तरह से, तो आपको 1 किलो ओम कितना होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो फार्मूला के अलावा भी मैं आपको कवर करते चल रहा हूँ। 1 किलो ओम इक्वल टू 10^3 ओम, ओम को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। 1 मेगा ओम क्या होता है, 1 मेगा ओम क्या होता है 10^6 ओम, या ऐसे कर लो। और 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको दिमाग में ज़रूर बैठा लेना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। अब आपको बताता हूँ कि ओम की एक मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा बहुत ही जल्दी फिजिक्स में, जिसमें मैं आपको पूरी फिजिक्स की क्लास 12th की पूरी फिजिक्स के सभी आपको यूनिट्स और सभी डायमेंशन आपको आती होंगी और एक ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो वो जल्दी ही ट्रिक आएगी, शायद डीसी सर्किट ख़त्म होने के बाद आए, हो सकता बीच में आ जाए, तो वो मैं आपको अभी क्लियर नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं क्लियर पता, तो आपको वो मैं बता दूंगा ट्रिक से, जिससे आपको पूरी डायमेंशन और सभी यूनिट तैयार हो जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन इसीलिए मैं आपको वो वीडियो लाऊंगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तभी आपको पता चलेगा। खैर छोड़िए वो बात, अब आपको इसकी यूनिट पता ही होगा ओम होता है, लेकिन इसका डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है अभी तक, रेजिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस का हम डायमेंशन बता रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन होता है ML2T-3A-2, ठीक है।
अब हमने फार्मूला आपको बताया था कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस को कैसे डिनोट किया जाता है, कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है जी से, और जी इज इक्वल टू वन अपाई आर, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, तो जी इज इक्वल टू वन बाई आर। यह फार्मूला याद रखो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी यूनिट होती है महो या ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स या कह सकते हैं सीमेंस या सीमेंस, जो भी कहो। और इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन तो आप निकाल ही लोगे ओम इनवर्स से। अब बात करते हैं ओम्स ला, तो आपको पता है होता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। आपको एक मैंने एक चैप्टर में एक डेरिवेशन करवाया था जब मैं वीडियो बनाया था आपको, कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वहाँ पर हमने डेरिवेशन ओम्स लॉ का करा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। सो हमें एक फार्मूला मिला था, ये बहुत ज़्यादा वी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर ए टाऊ। यहाँ पे वी वोल्ट है, वी वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है, एम मास है, एल लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ पर आर हमारा ये कांस्टेंट, यानी कि आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ हो जाता है। और यहाँ और हमने एक रेजिटिविटी का फार्मूला पढ़ा था, रेजिटिविटी इसका फार्मूला पढ़ा था, या इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आर इक्वल टू रू एल बाई ए, ये कह सकते हैं रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ये याद रखो, ठीक है। रो इक्वल टू आर ए बाई एल, यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको एक और फार्मूला पता चलेगा। क्या वो फार्मूला होता है? एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। सो आप इस फार्मूले को मत याद रखो, यहाँ ये वाला यह चीज़ याद रखो तो, और ये देखो ये दोनों याद रखो कि आपके कई फार्मूला बन जाएंगे। सो आप ये वाला याद रखो तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू तो पुट करके निकाल ही सकते हो ये वाला फार्मूला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है इसका अपोजिट कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी होती है डिनोट सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू वन बाय रो, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा वन बाय रो। और यहाँ से हमें इसकी वजह रखेंगे तो हमें एनी स्क्वायर टाउ बाई एम। तो आप इसमें भी ये वाला मत याद रखो, ये याद रखो तो ये अपने आप आ जाएगा। और हमने एक दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको करवाए थे, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। तो ई इक्वल टू रो जे एक डेरिवेशन था, और एक डेरिवेशन था जे इक्वल टू सिग्मा ई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये दोनों आप दिमाग में ही जरूर बैठा लेना, ठीक है, आई बात समझ में। और हमने आपको अब तो बहुत ही सिंपल चीज़ें बची हैं, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और सो वन एन तक, आर एन तक। और अगर पैरेलल में होंगे तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस सो वन वन अपॉन आर एन तक। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। और पावर का भी यही होता है, पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं, ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे लेकिन तब भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी एक फार्मूला होता है, यहाँ पे वी इक्वल टू आई आर पढ़ोगे तो एक और फार्मूला आई स्क्वायर आर टी बनेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यू इक्वल टू W by 4.2, ठीक है। और W की जगह ये सब वैल्यूज पुट करोगे तो आपके कई और फार्मूला बन जाएंगे। P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या कह सकते हो P इक्वल टू W बाई टी, P इक्वल टू W बाई टी, या आप कह सकते हो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, कई फार्मूला इस तरह बन जाएंगे, ठीक है। सो ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ। और आपको एक चीज़ बताना और चाहता हूँ, 1 kW आर इक्वल टू, ठीक है ये भी याद रख लो, 3.6 × 10⁶ जूल। कभी कभी यही पूछ लेता है कि 1 kW आर को क्वेश्चन में दे देगा न्यूमेरिकल में, और आपको पता ही नहीं होगा कि 1 kW आर कितना होता है जूल में, ठीक है, तो आप फंस जाओगे। तो बस इस चैप्टर में इतनी चीज़ें थी, मैंने सभी फार्मूलाज आपको एक्सप्लेन कर दिए, सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, कुछ यूनिट्स थी वो भी एक्सप्लेन कर दी, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिए, किसको क्या डिनोट किया जाता है हिसाब से पूरा चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। और अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो आपको शायद पता ही होगा, तो भी बता दूंगा।
चार्ज एंड रिटर्न 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि बहुत ही इसका यूज होगा। मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। और अब आप उधर नंबर भी तैयार कर लो, क्योंकि कोई इसमें हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। एवोगाड्रो को एन से डिनोट किया जाता है, और ये होता है 6.023 × 10³³ पर केजी एटम। ठीक, ये एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर कैपिटल एन से। तो आई होप इस वीडियो में आपको सब समझ में आया होगा। ये 15-16 मिनट का वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये बताइएगा जरूर कमेंट में, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ पूरे चैप्टर का एक्सप्लेन कर दिया। जितने हमने डेरिवेशन किए थे, जितने फार्मूलाज थे, सब इस एक पेज पर सब कुछ आ चुका है। तो आई होप को वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद होगा तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब मैं आपको डायमेंशन और यूनिट का एक ऐसा वीडियो आपको जल्दी ही दूंगा, ठीक है, तो जिससे आपको पूरी फिजिक्स के सभी डायमेंशन और सभी यूनिट तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।